रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुमकुम का नाम उसकी माँ ने एक सीरियल से इंस्पायर होकर रखा था, पर उसको ये नहीं पता था कि कुमकुम सीरियल्स की इतनी बड़ी शौकीन निकलेगी। कुमकुम अपना सारा दिन सीरियल देखने में बिताया करती, इस वजह से अब उसका चाल चलन भी सीरियल की बहुओं वाला हो गया था। वो सारा दिन सर पर दुपट्टा ओढ़े घूमती और सीरियल के डायलॉग अपनी असल जिंदगी में भी इस्तेमाल किया करती। ऐसे ही एक दिन कुमकुम को देखने सुमित और उसकी माँ प्रेरणा आते हैं, जो कि कुमकुम का ये बहू वाला एंगल देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सुमित और कुमकुम की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के अगले दिन कुमकुम सुबह 5 बजे मंदिर में आरती करने लगती है और घंटियां बजाती है, जिसके शोर से सुमित और प्रेरणा नीचे आते हैं और प्रेरणा कहती है, अरे बहू अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, तेरी घड़ी खराब है क्या? इतनी सुबह सुबह तो भगवान भी नहीं जगते, क्यों तंग करने में लगी हुई है उन्हें? माँ जी, मुझे सीमा जी ने सिखाया है कि सुबह सुबह उठकर घर में पूजा करने से शांति आती है। पर तेरी माँ का नाम तो सीमा नहीं है, लेकिन अब ये सीमा कौन है? जी माँ जी, उसका पति सिर्फ मेरा है, उसकी लीड एक्ट्रेस सीमा। अच्छा अच्छा कर ले, लेकिन थोड़ा धीरे कर। इतना कहकर प्रेरणा वापस सोने चली जाती है और कुमकुम अपनी पूजा खत्म करती है। सुबह सभी एक साथ बैठकर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हैं। ऐसे में कुमकुम सबके लिए खीर बनाकर लाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने बिना फेरे हम तेरे सीरियल देखा था, उसमें पहले दिन बहू अपनी सास के लिए कुछ मीठा बनाती है, तो देखिए मैंने भी एक अच्छी बहू की तरह आपके लिए खीर बनाई है। बेटा मैंने तो मांगा था कि बहू अच्छी मिले, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। ऐसा कर ये खीर सुमित को ही खिला दे, क्योंकि मुझे तो शुगर है, अगर मैंने ये खीर खाई तो मैं तो निकल लूंगी ऊपर। तीनों नाश्ता करते हैं और उसके बाद सुमित काम पर चला जाता है। कुछ घंटों बाद प्रेरणा अपना मोबाइल कुमकुम को देकर कहती है, बेटा जरा सुमित को कॉल लगा दे और उसे बोल दे कि शाम को आते टाइम मेरे लिए घुटनों का तेल ले आएगा। कुमकुम सुमित को कॉल लगाती है और उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वो अचानक जोर से चीख पड़ती है और प्रेरणा का मोबाइल गिरा देती है, जिसे सुनकर प्रेरणा बहुत डर जाती है और फिर कहती है, क्या हुआ बहू, तूने ऐसे मेरा फोन क्यों फेंक दिया? तू ऐसे चीखने क्यों लग गई? क्या हुआ बहू? माँ जी सुमित जी मुझसे बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने कॉल कट कर दिया। अरे तो इसमें मेरा फोन फेंकने की क्या जरूरत थी, उसका नुकसान क्यों कर दिया तूने? माँ जी आपने सीरियल मेरा पति मेरा देवता है नहीं देखा? उसमें जब ऐसे ही कॉल कट हो जाता है तो उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए मैं चीखी। कुमकुम घर के मंदिर की तरफ जाती है और अपने हाथ पर जलता कपूर रखकर देवी माँ से अपने सुहाग की रक्षा की गुहार लगाती है। इतने में ही सुमित का कॉल आता है और प्रेरणा जब कॉल उठाती है तो सुमित बोलता है, माँ सॉरी, वो रास्ते में एक सांप मर गया था तो मैंने उसे गाड़ दिया, इसीलिए कॉल कट कर दिया था। बेटा मेरे लिए घुटने का तेल और अपनी पत्नी के लिए थोड़ी सी अकल ले आइयो, मैं पक गई हूँ ये रोज रोज लाइव सीरियल देख कर। कुछ कहा माँ आपने? आवाज़ नहीं आ रही। नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तू फोन काट दे। इतने में ही कुमकुम प्रेरणा के पास आती है और खुश होकर कहती है, माँ जी देखा आपने, मेरी पूजा अर्चना और मेरी देवी माता ने आज मेरे पति की जान बचा ली। अरे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये रोज रोज सीरियल देखना बंद कर दे, वरना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सुमित को रास्ते में मरा हुआ सांप मिला था तो उसने उसे इंसानियत के नाते गाड़ दिया, इसीलिए फोन काट दिया होगा उसने। इसके बाद प्रेरणा अपने कमरे में चली जाती है और कुमकुम सारा दिन सीरियल देखती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है पर कुमकुम सीरियल में इतनी मग्न होती है कि उसे रात का खाना बनाना भी याद नहीं रहता। तभी प्रेरणा वहाँ आती है और सोचती है, बेचारी बहू का हाथ जला हुआ है, क्यों ना मैं ही खाना बना दूं और इसे आराम करने दूं। इतना कहकर प्रेरणा रसोई में जाती है और सारा खाना बना देती है। रात को सुमित वापस घर लौटता है और आवाज लगाते हुए कहता है, माँ कुमकुम कहाँ हो सब, मैं चेंज करके आता हूँ, इतने तुम खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। सुमित चेंज करके आ जाता है और प्रेरणा उसके लिए खाना लगा देती है
सुमित खाना खाने वाला होता ही है कि अचानक कुमकुम वहाँ आकर कहती है, ठहरो सुमित, खाना मत खाना। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने इस खाने में जहर मिलाया है, वो तुम्हें मारना चाहती है। अरे क्या बकवास कर रही है तू, मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगी? क्योंकि आप एक इच्छाधारी नागिन है। क्या बक रही हो तुम, कोई सस्ता नशा करने लग गई हो क्या? सुमित जी, आपने माजी को कॉल पर बताया कि आज आपने एक सांप गाड़ा था। हाँ, तो क्या हुआ? वो सांप मरा नहीं था, वो जिंदा है और उसकी आंखों में आपकी फोटो छप गई और उसकी बीवी नागरानी ने उसे देख लिया था। अब नागरानी को ये लगता है कि आपने उस सांप को मारा है, इसीलिए वो माजी का वेश बनाकर आपसे बदला लेने आई है। अरे बेटा, इस पागल को पागल खाने ले चल। क्या आज आप रसोई में दूध नहीं पी रही थी? क्योंकि सांप दूध पीता है, नागिन लेगी बदला सीरियल में यही होता है। तो अब क्या, मैं अपने ही घर में एक गिलास दूध नहीं पी सकती क्या? आप एक हत्यारन है, सुमित जी को मारना चाहती है। अरे मुझे नहीं रहना इस घर में जहां मुझ पे मेरे ही बेटे को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर प्रेरणा अपना सारा सामान पैक कर लेती है और घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी कुमकुम प्रेरणा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस एक अच्छी बहू बनना चाहती थी और सीरियल के पीछे मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे जिस बेटे को मैंने अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, तुझे लगता है कि मैं उसे मारूंगी? हे भगवान, मुझे उठा ले। प्रेरणा के इतना कहते ही उसे जोर से सीने में दर्द उठता है और वो गिरकर तड़पने लगती है। कुमकुम और सुमित उसके पास आकर उसे संभालते हैं तो सुमित कहता है, कुमकुम अगर आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। सुमित जी मुझे डांट बाद में लेना, पहले माँ जी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इतना कहकर कुमकुम जोर जोर से प्रेरणा के सीने पर मारने लगती है, जिसे देखकर सुमित कहता है, तुम पागल हो क्या, अब मेरी माँ को मार ही डालोगी, दूर हटो। सुमित कुमकुम को हटाने की लाख कोशिश करता है पर कुमकुम प्रेरणा को मारती रहती है, जिसके बाद सुमित और कुमकुम मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर प्रेरणा का इलाज करता है तो सुमित डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, इनको बस माइनर सा अटैक आया था और इसी के साथ आपने जो इन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया उससे खतरा टल गया। इतने में ही प्रेरणा को भी होश आ जाता है और सुमित को कुमकुम की ट्रीटमेंट याद आती है तो सुमित कुमकुम से पूछता है, कुमकुम तुम्हें कैसे पता कि इससे माँ को मदद मिलेगी? वो सुमित जी, मैंने ना दिल ना माने किसी की सीरियल में देखा था। तभी प्रेरणा कहती है, बहुत तेरी सीरियल देखने की आदत ने भले ही मुझ पर इल्जाम लगाए हो लेकिन मेरी जान भी बचा ली। सुमित जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी सीरियल नहीं देखूंगी। बेटा मैंने तुझे कभी भी सीरियल देखने से मना नहीं किया, पर कभी भी किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तू सीरियल देख पर उसे बस काल्पनिक और मनोरंजन के लिए। चलिए माँ जी अब घर चलते हैं, सीरियल सास का प्यार और ससुर फरार शुरू होने वाला है। बेटा ये नहीं सुधरेगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।